खिरसू कितनी खूबसूरत जगह, ये तो आपने पिछले चैप्टर में देख ही लिया होगा। अगले दिन सुबह 8 बजे हमने वापसी का सफर शुरू किया। हमें खिरसू से देवप्रयाग और ऋषिकेश होते हुए दिल्ली जाना है। यहाँ इस ट्रिप का एडवेंचर छुपा हुआ था। जब सुबह हमने गूगल मैप्स लगाया तो उसने ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर बाइक चलाना खतरे से खाली नहीं था, और एक बार जब आप इस रास्ते पे आ गए तो फिर बाइक रिवर्स भी नहीं हो सकती थी। बेटा बाइक का ये फायदा है, कहीं भी चली जाती है। मुझे लग रहा आती होंगी बाइक यहाँ पर, तभी रास्ता बना ये। बाप रे बाप भाई, जगह देख। ओके एडवेंचर कर दो, एडवेंचर इतनी जगह बहुत है गाड़ी के लिए, क्या सोच रहा है तू? अशोक जी आ रहे हैं पीछे। ओ भाई साहब यहाँ से घूमेगी नहीं बस ये। ओ भाई साहब आराम आराम से भाई, आराम आराम से। आंटी भी देख रही है क्या है, एकदम नीचे ढलान, गाड़ी अगर रुके नहीं ना। ओ हो, ये गूगल मैप्स की कृपा थी जो यहाँ तक पहुँचा है। उफ हाय 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 हाय। अबे रहने दे साले, अभी गाड़ी मजाक मजाक में हट जा, सामने हट जा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे बड़ो आ गया अशोक जी। ओ भाई अरे यार, अब झुकेगी नहीं गाड़ी यार। अरे यार रुक जा, रुक जा, साले गिर जाएंगी। रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा। ओप्स, दिस इज खिरसू। हम वो वहाँ से उतर के आए ऊपर से नीचे भी, अमेजिंग। और दूसरी तरफ दिखाता हूँ आपको, वाओ, सी बादलों के बीच में बसे गांव, क्या बात है। खिरसू से निकल के हम श्रीनगर की ओर जा रहे थे और थोड़ी थोड़ी दूर पे इतने मनमोहक नज़ारे दिख रहे थे कि मन कर रहा था यहीं रुक जाओ। जंगल जंगल गांव गांव होते हुए हम पहुंच गए श्रीनगर, जहां धारी देवी का मंदिर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बनाया गया है। हेलो गाइस, तो खिरसू से निकलने के बाद हम पहुंचे श्रीनगर, और इस टाइम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये धारी देवी मंदिर। ऊपर पहाड़ों पर एकदम क्लाउड्स हैं, नीचे पानी, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू। और मैं तो अभी बाहर हूँ मंदिर की पार्किंग में बाइक के साथ, मुकेश और अशोक जी गए हैं अंदर दर्शन करने के लिए।
इसके बाद हम यहाँ से सीधा निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। ठीक है, तो आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन, अभी तक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है। जो राइड शुरू करी थी वादियों से होते हुए हम सीधा श्रीनगर पहुँच गए हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। श्रीनगर से होते हुए हम ऋषिकेश के लिए निकल गए थे। ऋषिकेश तक का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। मेरी BMW बाइक सड़कों का मजा ले रही थी और मैं नजारों का। हम पहुंच गए देवप्रयाग। ये वो जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और ये दोनों नदियां मिलकर एक नई नदी बन जाते हैं जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। इस जगह आना मेरी दिली तमन्ना थी और मैं चाहता था कि मैं अपनी बाइक से इस जगह एटलीस्ट एक बार जरूर आऊं और वो ख्वाब आज मेरा पूरा हो गया। और देवप्रयाग होते हुए हम पहुंच गए ऋषिकेश। आज का हमारा स्टे होगा ऋषिकेश में। हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। तो ट्रिप शुरू हुआ था सुबह हमारा आज खिरसू से, और खिरसू से हम श्रीनगर होते हुए ऋषिकेश पहुंच गए। चार अटैम्प्ट फेल होने गया था, पांचवें अटैम्प्ट में मैं ऋषिकेश पहुंचा और अब हम सब मिलकर मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, घाट जाएंगे, कुछ खाएंगे। तो चलो आप लोगों को आज ऋषिकेश कल करेंगे, कल राफ्टिंग भी करेंगे अगर टाइम मिला तो। ऋषिकेश एक झील मिलाता और जिंदा दिल शहर है जहां अक्सर आपको दिल्ली NCR के लोग घूमते मिलेंगे। यहां पहुंचते ही हमने हल्का फुल्का लंच किया और फिर धीरे धीरे कदम भरते हुए गंगा घाट की ओर निकल पड़े। ये मेरा पहला मौका था इस शहर आने का। इससे पहले मैंने चार बार यहाँ आने का इरादा तो किया था लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से सफर अधूरा रह गया। आज की शाम हमने ऋषिकेश के गंगा घाट पर कुछ पलों का सुकून महसूस करते हुए समाप्त की। अगली सुबह हमने बाइक पर ही ऋषिकेश घूमा। सो वी आर करेंटली एट राम झूला, काफ़ी फेमस स्पॉट है ये ऋषिकेश का। ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद दिल्ली के लिए निकलेंगे, गर्मी हो गई है। और मुकेश चाचा क्या हाल चाल है? अशोक जी पता नहीं कहाँ नाश्ता करवाने के लिए ले जा रहे, इतनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, यहीं कहीं कर लेते, इतनी बढ़िया मार्केट है। तो जी जान की धूल आ गया, केवल दोपहिया वाहन के लिए। नाइस, गली गली घुसा के ले आ रहे हैं, सोचे भी यहीं से आना है ट्रैफिक में। गंगा जल ही मिल रहा है तो
वाह, लोग पैदल घूमते हैं, बाइक से घूम रहे हैं। नाश्ता नहीं करवाएंगे, देख लेना। और यहाँ जैम लग जाएगा बहुत तगड़ा वाला, बेटर के टाइम से निकल लो। अर्ली मॉर्निंग है, 9 बज रहे हैं तो थोड़ा रश कम है। अबे साइड हो जाओ ना, उसके आगे कहाँ घुस रहे यार हो। हाँ तो साइड हो चलो ना। तो दोस्तों ये था हमारा 4 दिन का सफर, दिल्ली से कोटद्वार, खिरसू और वापस आते वक्त देवप्रयाग और ऋषिकेश। करीब 800 किलोमीटर की इस राइड में कुछ अलग ही जादू था, जो घर वापस आने के बाद भी कई दिनों तक दिल और दिमाग में घूमता रहा। हर मोड़, हर पहाड़ और हर नदी ने जैसे एक कहानी सुनाई हो, और कहानियों का असर अब तक महसूस होता है। ये मेरी ज़िंदगी की 3री बाइक राइड थी, लेकिन इस राइड के साथ एक और ख़ास लम्हा जुड़ गया। मेरी बाइक ने अपने 10,000 किलोमीटर पूरे कर लिए। लेकिन ये सिर्फ किलोमीटर का सफर नहीं था, ये था अपने आप से मिलने का, एक नई दृष्टि से जीवन को देखने का और हर मोड़ पर नए सपनों को पाने का। ट्रैवल सिर्फ एक शौक नहीं है, एक थेरेपी है। जो लोग इस सफ़र में सुकून ढूंढते हैं, उन्हें शहर के क्लब और भीड़भाड़ से ज़्यादा ये खुले रास्ते, शांत पहाड़ और नदी के किनारे अपनी तरफ खींचते हैं। ज़िंदगी भी एक रास्ता है और हम सब अपने अपने सफ़र पर हैं। हर पड़ाव पर कुछ नया सीखना है, कुछ नई यादें बटोरनी है। तो अगर आपको कभी लगे कि सब कुछ थकावट भरा है, तो अपनी बाइक, अपनी कार या अपने कदम उठा लीजिए और निकल पड़िए। दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। मेरा नाम है सनम खान, मैं दिल्ली से हूँ। इस बार आया था उत्तराखंड के एक बहुत ही प्यारे से शहर खिरसू, और यहाँ बात कुछ ऐसी है।